इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। बतूता का जूता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी और उपन्यास भी लिखे। उनकी कविताओं में सादगी और गहराई दोनों दिखती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने उम्दा बाल साहित्य भी लिखा। बच्चों के लिए लिखी उनकी एक कविता बतूता का जूता। उनकी इस लिखावट में शब्दों की कमाल सजावट है। तो प्रस्तुत है उनकी कविता बतूता का जूता, और इसको सुनकर शायद आपको कोई गीत भी याद आ जाए। इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक कभी कान को मलते इबन बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान, इबन बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में।